बस शिव जी अब बहुत हो गया, अब हमें जल्दी से पोते का मुंह दिखा दीजिए, बस अब हमसे नहीं होता सर। जय हिंद अम्मा जी। हाँ जय हिंद जय हिंद, काम करो। अरे उम्र निकलती जा रही ना हमारी बहू की, अरे हम भी तो चाहते कि हमारी गोदी में हमारा नन्ना मुन्ना पोता खेले। इतना क्या हो गया हा? दुनिया की पहली सास थोड़ी है जो पोता मांग रही है। नहीं नहीं आपकी बातें सुन के हमें टीकू के पापा के ट्रक पे लिखी हुई शायरी याद आ गई, बीज बोगे तो फसल लहराएगी, ए रुक जगह मिलने पर साइड दी जाएगी। क्या मतलब है, हम किसे साइड मांग रहे हैं भाई? नहीं नहीं अम्मा जी उसके पहले वाली, अभी बीज बोगे तो फसल लहराएगी। अभी आपका लल्ला कहा वहाँ दुबई में, आपकी बहुरिया कहा यहाँ आपके पास, तो आपके लल्ला का लल्ला क्या ऑनलाइन होगा? हाँ सही कहा तुमने मलाइका, सही कहा एकदम पते की बात की। इनको समझाइए कि ये जो पोता कार्यक्रम डिले हो रहा है ना पुष्पा जी, इसमें सिर्फ हमारा दोष नहीं है, इसमें लल्ला का भी उतना ही दोष है। बताइए फोन भी नहीं लग रहा है उनका कल से, और मैसेज कर रहे तो रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं हमको। ये गलत बात है। अरे क्या गलत बात है, क्या गलती है हमारे लल्ला की? अरे बेचारे का फोन नहीं लग रहा है, एक महीने से समंदर के बीच में है वो, उसका मर्चेंट नेवी का काम खत्म हो जाएगा एक महीने के अंदर, फिर वो वापस आ जाएगा, फिर देखते हैं ना हमारी ये जो बहुरानी है ना कौन सा तीर चलाती है। बराबर, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ क्यों नहीं होने वाला? अरे क्या क्या नहीं होने वाला है, इतनी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, अभी पुलिस का नौकरी करते हैं उसमें समय नहीं मिलता है, घर आके क्या क्या करेगा इंसान। हाँ एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ऊपर वाला जो है ना वो सबकी सुनता है, आप कितना भी ना 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 ना, ना करे, कितना भी मना 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 करे, इस घर में छोटा बच्चा आके रहेगा, इस घर में हमारे इस घर में छोटे बच्चे की किलकारियां हमें सुनाई देगी। अम्मा जी आपके सपने में जो किंकारी आ रही थी वो मुझे भी सुनाई दे रही है। वाह हमें भी, हमें भी क्या वो सच में आ रही है आपके सपनों में? नहीं आ रही है, कहाँ है, किसका बच्चा है? कौन है यहाँ पे, बच्चा किसने रखा, कोई है? पता नहीं आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। चलो 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 चलो। हाँ, हाँ। आदरणीय सासू माँ आप मुझे नहीं जानती, पर यहाँ सवाल मेरा नहीं है इसलिए सीधा मुद्दे पर आती हूँ। 11 महीने पहले मेरी मुलाकात आपके लल्ला से दुबई में हुई थी, पहली मुलाकात में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो पहले से शादीशुदा है, पता होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जब उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया हमें कि ये बच्चा वो नहीं रख सकते, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से डॉक्टर्स ने बच्चा अबॉर्ट करने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरन मुझे इस बच्चे को जन्म देना पड़ा, वरना मेरी या इस नन्ही सी जान को खतरा हो सकता था। आपके लल्ला इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुए, उनका कहना ये था कि उनकी एक भूल है जिससे वो हरगिज़ अपना नाम नहीं दे सकते, और मैं अकेली इस बच्ची की जिम्मेदारी उठा नहीं सकती, तो इन हालात में मेरे पास बस यही रास्ता बचा है, या आपका पोता है। आपकी अमानत है इसलिए इसे आप ही के पास छोड़ जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अम्मा जी माँ ये बच्चा किसका है? अडॉप्ट कर लिया मेरे होते हुए? नहीं माँ मैं अपने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा नहीं करूंगा।
पुष्पा जी, एक सेकेंड, ये कितना क्यूट है ये। किसका है पुष्पा जी ये? कंफर्म, ये माँ के कोई करीब रिश्तेदार का बच्चा है, है ना माँ? फिर भी मेरी आधी प्रॉपर्टी तो चली गई मेरे हाथ से। पगला गया है क्या ये? निकलो यहाँ से तुम, और दिखने नहीं चाहिए जब तक हम तुमको नहीं बुलाएंगे। कटो। नहीं सर, सर, सर। और आप सब लोग क्या मुंह ताक रहे हैं? कंप्लेन रजिस्टर निकालिए, कंप्लेन लिखना है। अरे क्या हो गया रे? सुबह सुबह काय के लिए इतना? थंकी। अरे जी जी, अरे कितना प्यारा है छोटा बाबू। क्या रे माता रे, इस उम्र में गुल के लाके लाई क्या? मजाक चल रहा है यहाँ पे? कहा ना कंप्लेन रजिस्टर लेकर आओ, कंप्लेन लिखाना है। समझ में नहीं आता किसी को? किसके खिलाफ कंप्लेन लिखाने का है? बच्चे की माँ को ढूंढना, उसका कंप्लेन लिखना है। अच्छा, पति किधर है? हमारे पति थे इनका लल्ला। क्या करिश्मा मैडम ये आपके लल्ला? नहीं मतलब पुष्पा जी आपके लल्ला और करिश्मा मैडम आपके पति देव का बच्चा है ही? मरी मैडम। नहीं नहीं, मतलब ऐसा ही औरत कर रही है जो आपके दरवाजा पर ही बच्चा छोड़ कर गई है। हम नहीं कर रहे हैं ऐसे, हल्का मारिए संतोष। असंभव है ये, संभव हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है। क्या असंभव है इसमें? हमारा लल्ला बाप नहीं बन सकता? नहीं बन सकते हैं, बाप का ही नहीं बन सकते, लेकिन सही जगह पे बने ना। ऑलरेडी जब कहीं पे बिलिंग चल रहा है तो दूसरी जगह जाके रिचार्ज कराने का क्या मतलब? हाँ नहीं हो सकता, ये असंभव है। अगर ऐसा हुआ तो? हमको मालूम है, हमें पता है आपको ये दादी बनने का ना, ये डेस्परेट हो रखी है कि दादी बन जाए हम। तो क्या किसी का? नहीं हम बात कर रहे हैं ना अभी, तो किसी का भी दादी बन जाइएगा। हाँ और लल्ला ने कहा क्या कि उनका बच्चा है? कहा उन्होंने? बैठ जा नीचे बैठ। या तो फिर ऐसा है कि आप जो है वो लल्ला पे भरोसा करती ही नहीं है। भरोसा है हमें पूरा, बुला दीजिए, हमें पूरा भरोसा है हमारे लल्ला पे। बहुत अच्छी और ऊंची परवरिश दी है हमने हमारे लल्ला को, मगर भागी भागी पिटा जाइएगा, पिटा जाइएगा। मगर का बता रहे हैं ना, मगर वो यहाँ ना अपने देश में, और लल्ला भी वहाँ है दुबई में। अब वहाँ के संस्कार हमें क्या पता है? हमारे कहने का मतलब ये है कि जवान संस्कार है, कभी भी फिसल सकते हैं ना। अब लल्ला के पापा, हमारे लल्ला के पापा को ही देखो, जवानी के दिनों में वो भी तो एक बार फिसल गए थे, कितने संस्कारी थे फिर भी। पुष्पा जी अभी मत कहिए कि लल्ला का बहुत सारा सौतेला भाई बहन है सब। बस कान पकड़कर घसीटते हुए उसे आए ना, तब उनकी अकल ठिकाने आ गई। अब लल्ला है भी तो उन्हीं का बच्चा, उन्हीं का खून है। बाप की आदतें बच्चे में उतर जाती है, हो गई होगी हमारे लल्ला से भी भूल। और तब तक इस बच्चे का क्या? अन्ये, अन्ये, अन्ये। अगर हमारे पास इस बात का सबूत नहीं है कि वो औरत सच बोल रही है, तो इस बात का भी तो नहीं है ना कि वो झूठ बोल रही है। और जब तक हम पता नहीं लगा सकते, तब तक ये बच्चा किसकी जिम्मेदारी हुई? पति की ना, और अगर पति नहीं हुई तो उसकी मातारे की, आइटम की। पर ये बच्चा लल्ला का नहीं है। मैं जानती है जो तेरे पे बीत रही है वो मैं अच्छे से समझ रही है, और सच बोलूं तो मैं कभी तेरे लल्ला से, हमारे लल्ला से, दो लल्ला से मैं कभी मिली नहीं है। पर मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि तेरा पति ऐसा काम नहीं कर सकता, ये बच्चा उसका नहीं है। पर तू है असली पुलिस वाली, तो पुलिस वाली की जैसा सोच, बीवी की तरह मत सोच। सबूत इकट्ठा कर और साबित कर कि ये बच्चा लल्ला का नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी करना है ना, ये टंटा खत्म करना है ना, तो ये बर्थ मार्क वाला बच्चा जहाँ जन्म है उस हॉस्पिटल का पता लगाओ, किस नर्स ने इस बच्चे का डिलीवरी कराया वो पता लगाओ, और अभी के अभी पता लगाओ। हमें इस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाना, जल्दी मजाक नहीं चल रहा है, पता लगाओ जल्दी। एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर नवीन दुबे? जी बोलिए। जी इस बच्चे का? चीकू, चीकू नाम। वेरी गुड। और इस महतारी का? आइटम। वेरी गुड। इन दोनों का बेसिकली डीएनए टेस्ट करवाना है, सो हम इसलिए आए। आप प्लीज मेरे साथ आइए। बाय चूतू। <coughs>
कोई है आपके साथ यहाँ? ठीक तो है ना, आप डॉक्टर बुलाऊं आपके लिए? अच्छा ठीक है, आपका रूम नंबर कौन सा है बताइए, हम आपको छोड़ देते हैं। सुनिए, 4 नंबर रूम कहाँ है? इस साइड। ओके थैंक यू, हम आपको छोड़ रहे हैं वहां तक, हम आपको रूम की तरफ लेके जा रहे हैं, फिर डॉक्टर को भी भेज देंगे। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे जी हाँ जी, मैंने दोनों का सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है। ओके जस्ट 5 मिनट। हाँ हाँ प्लीज टेक योर टाइम, मीनवाइल इस पेशेंट को जो है रूम नंबर 4 में भिजवा दीजिए प्लीज। लेकिन मैडम रूम नंबर 4 तो सिर्फ स्टोर रूम के लिए यूज होता है, वहाँ कोई पेशेंट नहीं रखा जाता। क्या? और आप किस पेशेंट की बात कर रही? अरे ये पेशेंट किधर गया? हो गया सैंपल देके, क्या हुआ? तुम लोग के साथ रहने के ना तुम्हारे थाने में मैं भी पागल हो रही है। चलो। अरे मगर हुआ क्या? नहीं बताने का है। मैडम आसपास की जितनी भी हॉस्पिटल्स है ना, हर जगह चेक कर लिया, लेकिन कहीं भी ऐसे बर्थ मार्क वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ। और ये क्या जादू से पैदा हो गया है क्या बच्चा? हाँ क्या हवा में अवतरित हो गया है? अभी जन्म लिया है तो फिर किसी ना किसी ने तो जन्मा होगा ना, कोई तो माँ होगी इनकी। पर तेरे को कैसे मालूम कि वो बच्चा इसी शहर में इसी जगह पैदा हुआ है? इतनी बड़ी दुनिया है, किधर भी पैदा हो सकता है। दुबई में भी पैदा हो सकता है। यही पैदा हुआ? नहीं मैडम आप टेंशन मत लीजिए, हम सब मिलके इसकी मम्मी को ढूंढ लेंगे। कैसे कैसे संतू, कैसे ढूंढोगी समझाओ हमको? हमने उसकी मम्मी को देखा है, हमें नहीं पता वो कहाँ है, कैसी दिखती है, क्या होगी, कैसी होगी, कुछ तो नहीं पता है ना उनके बारे में। चुप करवाइए ना इसको, हम एकाग्र नहीं, हम सोच नहीं पा रहे हैं कुछ। छोटा बच्चा है, रोएगा ही ना। आप चुप करा के देखिए, लीजिए। नहीं नहीं हम उसकी माँ नहीं है जो हम उसको चुप कराएंगे, आप चुप कराइए ना इसको। संतू तुम चुप करा। हाँ इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। दीजिए हम ट्राई करते, दीजिए दीजिए। नहीं तुम भी रह नहीं दो। देखिए आप लीजिए। लेकिन हम उसकी मारे रहे। लीजिए लीजिए। चुप हो गया? देखा कैसे चुप हो गया ना आपके पास आके? उसे करिश्मा मैडम की गोदी में ना माँ की फील आ रही होगी इसलिए। नहीं 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 ये लल्ला का बच्चा नहीं हो सकता है, इसकी माँ को ढूंढना ही होगा। ये पकड़िए इसे प्लीज, पकड़िए। अरे चुप कराओ ना इसे। अम्मा अम्मा इसको, ओ कहा है तुमको, क्या दिक्कत है भैया? हाँ कहा है तुम, रो रो के पूरा पूरा घर सर पे उठा दिया तुमने। हाँ अम्मा चुप हो जाओ ना, कहा चाहिए तुमको, कहा चाहिए, कहा चाहिए? हाँ अच्छा अब चुप हो गए? नहीं मतलब सिर्फ हमको तंग करना था तुमको, नींद से उठाना था हमें। हाँ अब हंस रहे हो, दांत दिखा रहे हो, मतलब मसूड़ा दिखा रहे हो, दांत तो तुम्हारा है नहीं। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। अभी तुमको क्या, तुमको कुछ काम नहीं है, तुम पड़े रहोगे ऐसे ही। हमको बहुत काम है, हमको कल ड्यूटी पे जाना है, नींद पूरा नहीं होगा तुम्हारा दिमाग का चूरन हो जाता है, और तुम रोते हो तो डबल चूरन हो जाता है, समझो हमारी बात को। अब मत रो ना, तुम रोए ना तो चुपचाप सो दो, मरेंगे। कुछ भी कर लो, गजर मचा लो, पूरा भल्ला सर पे उठा लो, हमको नहीं फर्क पड़ता है, नहीं उठाएंगे हम तुमको गोदी पे, नहीं करेंगे तुमको प्यार, वैसे ही रहना तुम शांत। चुप 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 चुप,
रोए ना तो कसम से बता रहे हैं जब भी मुंह खोलोगे की बात बोलोगे दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा समझे। क्या कर रही हो करिश्मा सिंह, बच्चे के मुंह में पड़ रही हो। पराया बच्चा है, उसकी मां मिल जाएगी तो उसको सौंपना पड़ेगा। ये बच्चा तो अब तुम्हारे पास ही रहेगा करिश्मा सिंह। एक सेकंड, घबरा जाएगा वो, थोड़ा आराम से बोलो। हाँ। कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बाबू है। ए, क्या बाबू बच्चा क्या है, कुछ अच्छा सा नाम होना चाहिए इसका। हाँ, हाँ, क्या नाम रखे? हमको लगता है ना कि इसका नाम करीपुल होना चाहिए। हैं? करिश्मा का करी, पुष्पा का पुर, लल्ला का लव, मिला के हो गया करीपुल। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गोलू मोलू साइज का नाम होना चाहिए। गोप गपंगम, यस नाम मिल गया। ए, एक सेकेंड, ये सब क्या नाम दे रहे हो? करीपुल, गोपमम, क्या कुछ भी, ऐसे एलियन जैसे नाम थोड़ी ना देते। इतना प्यारा बच्चा, इसका नाम तो कुछ प्यारा होना चाहिए। चीकू, चीकू होना चाहिए। चीकू, चीकू क्या नाम है? क्या यही नाम है? यही नाम है चीकू। बेहतरीन संतु जी, कसम नाम रख दिया है आप एकदम चीकू। सजी रही गली तेरी अम्मा गले गोठे में, सजी रही गली तेरी अम्मा चुनरी गोठे में। हाय हाय, बच्चा तो कितना प्यारा है, इसको किसी की नजर ना लगे। खूब फले, खूब फूले, 500 के नीचे 1 रुपया कम नहीं लूंगी। माता रानी तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जिस तरीके का आप बात की है और आशीर्वाद दी है ना, 500 के हम 1500 से 1 रुपया कम नहीं देंगे आप। नहीं नहीं, एक मिनट, चीते क्या कर रहा है, ये अपना बच्चा थोड़ी है। जोड़ी अच्छा है लेकिन ये बच्चे की माँ है कौन? एक मिनट, आपको बुलाया किसने? हाँ, मैंने बुलाया है आपको, यहाँ मैंने बुलाया है। हाय हाय, जितनी खूबसूरत तू उतना खूबसूरत बच्चा भी है। चल निकाल पैसे। नहीं 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 नहीं, मैं भी इस बच्चे की माँ नहीं हूँ। ये तुम्हारा भी बच्चा नहीं है, तो ये बच्चा है किसका और हमें यहाँ बुलाया क्यों है? बच्चे की माँ ढूंढने में ही हमें आपकी मदद चाहिए। अरे हम क्या कर सकते तुम्हारी मदद? बताते हैं, इधर आइए, यहाँ देखिए, ये बच्चा, इसके चेहरे पर चीकू। हाँ, इस बच्चे के चीकू, इस बच्चे के चेहरे पर चीकू के, चीकू के चेहरे पर ये जो एक मार्क है, ये पैदाइशी एक मार्क है। ऐसा मार्क आपने पहले कहीं किसी बच्चे पर या इसी बच्चे को कहीं पहले देखा है? नाना, इस बच्चे को तो हम पहली बार देख रहे हैं। थोड़ा सा जोर लगा के सोचिए कि कहीं आपने ऐसा बच्चा देखा हो जिसके चेहरे पर ऐसा मार्क हो, या फिर कहीं किसी घर में आप खुशियों में शरीक होने गए हों पर शायद कुछ मामला थोड़ा सा अजीब लगा हो। कुछ भी, कोई भी मदद बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मोहल्ले में गए थे, वहाँ एक लड़की थी, पता नहीं कुछ परेशान सी, अजीबोगरीब बर्ताव करने वाली, लेकिन उसने तो हमें निकाल दिया, कहा यहाँ बच्चा बिच्चा कोई नहीं है, और हम चले आए, वो कुछ ठीक नहीं लगा हमें। ठीक है, अच्छा है, इस लड़की का घर का एड्रेस वगैरह कुछ याद है आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लिखो 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 लिखो, चिता लिखो, बिलोटे रिकॉर्ड करने। हाँ, लाल कुआं रोड, लल्लन मार्ग, घर नंबर 311। तो बंद है, ताला लगा इधर। एड्रेस तो यहीं का था। आसपास किसी से पूछी क्या? वहां चलो। भाई साहब, ये यहाँ कोई रहता है? हाँ मैडम, एक लड़की रहती थी यहाँ पे। थी मतलब मैडम, वो तो घर खाली करके जा रही है, वो वहाँ पर वो टेम्पो के पास खड़ी है ना, करली हेयर वाली लड़की। ओके, शुक्रिया शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, हाय, 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ बोलिए। दरअसल आपकी एक अमानत हमारे पास है और वही हम लौटाना चाहते हैं। जानती हूँ मैं किस अमानत की बात कर रही हैं आप। सॉरी, पर मुझे मेरा बच्चा वापस नहीं चाहिए। मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ आई और अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। गरम है कि नहीं? गरम है। तू इतना गरम बच्चे को पिलाता है कोई दूध? ठंडा करो उसको। यही तो चेक कर रहे थे ना पुष्पा, ठंडा करते अभी इसको। मेरे हाथ पे चेक कर रहा था तू, तेरे हाथ पे क्यों? पहना है ना पहना पहना पहना
अरे दीदी डायपर पहनेंगी। माँ मुझे नया टी शर्ट चाहिए, आपके लल्ला के लल्ला ने गिल्ला कर दिया। इसने निशाना एकदम सही जगह पे लगाया। जी हम आ गए। अरे कौन है ये सुंदर लड़की? ये चीकू की मम्मी है। चीकू? अरे आपके लल्ला के लल्ला का नाम चीकू ही तो रखा है सबने मिलके। ये उसकी माँ है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.